दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ों पर सफेद रंग क्यों किया जाता है, हमारी आवाज क्यों गूंजती है, और कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं, डॉक्टर हमेशा महंगी दवाई क्यों लिख कर देते हैं, और सोने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी को घूमने का बहुत शौक होता है। आए दिन हम कोई ना कोई नई जगह ढूंढ लेते हैं और वहाँ घूमने जाते हैं। आजकल की ऑफिस की जिंदगी में पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक दिन छुट्टी का मिलता है, तो उसमें अधिकतर लोग किसी नई जगह पर घूमने चले जाते हैं। आज के इस बिजी दौर में घूमने का समय मिलता है तो लोग पहाड़ों पर जाना या फिर कहीं ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें कोई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह की खूबसूरती में खो जाते हैं और आपको वो जगह बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। लेकिन जब आप कहीं घूमने जाते हैं तब शायद आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर सफेद रंग किया गया होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इन पेड़ों पर सफेद रंग क्यों किया जाता है? शायद ही आपने यह कभी जानने की कोशिश की होगी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पेड़ों पर सफेद कलर किया जाता है। सीधे शब्दों में, पेड़ों पर कलर करने का यही कारण होता है कि वन रक्षक इसकी अच्छे से देखभाल कर रहा है। पेड़ों पर सफेद रंग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें दरार ना पड़े। उसकी छालों में सफेद रंग करने से पेड़ की उम्र भी लंबी हो जाती है और कीड़े और फंगस पेड़ में नहीं लगते हैं। भारत में अधिकतर ऐसी जगह हैं जहां पेड़ पर सफेद रंग किया जाता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सब पेड़ों पर सफेद रंग किया जाए। कुछ स्थानों के हिसाब से रंग में भी बदलाव किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सफेद रंग ही किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं और बच्चे आपके साथ होते हैं, तब आपने ध्यान दिया होगा कि वे पहाड़ों में जोर जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उनकी आवाज बार बार गूंजती है। उनको ऐसा करने में मजा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चिल्लाने की आवाज आपको वापस क्यों सुनाई देती है? इसके पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि जब आप चिल्लाते हैं तो पहाड़ों में आवाज के सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उस आवाज को अब्सॉर्ब कर सके। तब आपकी आवाज कठोर पहाड़ों से टकराती है और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, जब हम अपने घर के किसी कमरे की साफ सफाई करने के लिए अपने कमरे को खाली कर देते हैं और खाली करने के बाद उसमें कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजने लगती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पहाड़ों की तरह खाली कमरों में भी आवाज गूंजती क्यों है? क्योंकि कमरे की दीवारें, छत और फर्श कठोर होते हैं जो हमारी आवाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब हमारे कमरे में सामान रखा होता है, जैसे बेड, फैन या फर्नीचर, ये सब हमारी आवाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनकी वजह से हमारी आवाज गूंजती नहीं है। दोस्तों, यही कारण है कि पहाड़ों की तरह खाली कमरे में भी आवाज गूंजती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मच्छरों के काटने के कारण रात भर आप सो नहीं पाते या फिर शाम होते ही आपको मच्छर काटने लगते हैं, जबकि आपके साथ बैठे दूसरे लोगों को कोई समस्या नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप। कुछ डॉक्टरों के अनुसार ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों को ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों से दो गुना मच्छर काटते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप बी वाले लोगों को कम मच्छर काटते हैं। और जिन लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है उन्हें भी मच्छर ज्यादा काटते हैं। पसीने में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर जल्दी आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इसका एक कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है। हमारी त्वचा पर कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मच्छरों को त्वचा से दूर रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे इलाज के लिए कुछ दवाई लिखकर देता है जिन्हें खाने से हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हमें जेनरिक यानी कि ऐसी दवाई कभी भी लिखकर नहीं देता जो सस्ती होती है और आसानी से मिल भी जाती है। डॉक्टर हमेशा हमें ऐसी ही दवाई लिखकर देता है जो या तो ब्रांडेड होती है या फिर काफी महंगी होती है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर हमें जेनरिक दवाई क्यों नहीं लिख कर देता? इसकी वजह ये हो सकती है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि वहाँ बहुत से मरीजों के अलावा और भी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्हें डॉक्टर से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। ये लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और डॉक्टर के महंगी दवाई लिखने के पीछे इनका हाथ नहीं होता, क्योंकि ये तो सिर्फ वही काम करते हैं जितना इन्हें दवाई बनाने वाली कंपनी करने को कहती है। ये लोग डॉक्टर को कंपनी के ऑफर्स के बारे में बताते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हीं की कंपनी की दवाई ज्यादा से ज्यादा लिखे।
इसके लिए डॉक्टर को कुछ कमीशन या फिर कोई महंगा गिफ्ट दिया जाता है। दोस्तों यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा महंगी दवाई ही लिख कर देते हैं। दोस्तों सोने से इंसान का बहुत ज्यादा ही लगाव होता है और सोने के चमकीला होने की वजह से ये दुनिया भर में पसंदीदा बहुमूल्य धातुओं में से एक है। दोस्तों सोना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कीमत की वजह से हर कोई इसे खरीद नहीं पाता। और क्या आप जानते हैं कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? दोस्तों सोने की कीमत के इतना ज्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसका बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होना। दरअसल जो चीजें दुर्लभ होती हैं, वह काफी उपयोगी भी होती हैं। सोना प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। दोस्तों संसार में जिन वस्तुओं की कमी होती है लेकिन उनकी मांग लोगों के बीच ज्यादा होती है तो उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है और ऐसे में चीजें महंगी हो जाती हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि इस पर प्रकृति के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी, गर्मी, धूप, हवा, पानी, इसे किसी भी वातावरण में वैसा का वैसा रखा जा सकता है। और दोस्तों इसकी कीमत के इतना ज्यादा होने के पीछे और भी बहुत वजह हो सकती हैं। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।